हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम कर दें तुहाडा टू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी कि इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ फिफ्थ एडिशन रायमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ फिफ्थ एडिशन उहदा आपां पार्ट कर रहे हैं 120। ठीक है आपां बैक तो अगे नूं चलांगे 120 तो लैके 119 118 17। ठीक है बैक तो चलांगे आपां सारे। हाँ जी ये पहले मैं तुम्हें रूल्स समझाऊंगी फिर मैं तुम्हें जोड़े ये इंपॉर्टेंट यूनिट के एक्सरसाइज ने फिर वो तुम दसूँगी जिन्हें एग्जाम के आने के चांसिस पूरे होंगे ने। ये वाई अंटिल जेडे कि बाय द टाइम ये फिल करना। बाय का मतलब की है बाय मतलब नॉट लेटर दैन मतलब कि जड़ा आप कही भी इदों ज़्यादा लेट नहीं जो अपने कोई भी चीज़ कहनी भी इस तो ज़्यादा लेट नहीं। ठीक है भी इस तो पहला हो जानी चाहिए चीज़ तो आप लिखा बाय पुट करना। देखो जी मैं तो एग्जाम्पल्स ने एग्जाम्पल्स भी रीड कर लेनी एक बार क्योंकि कई बार एग्जाम्पल चो भी आ जाता। आई सेंट द डॉकूमेंट्स टूडे भी मैं जोड़े डॉकूमेंट्स टूडे जोड़े कि सेंड करने ने सो दे शुड अराइव ताकि यह कल तक पहुँच जाए मंडे तक मतलब कि मंडे बाय मंडे अपने लिखा यदा मतलब की है भी ऑन बिफोर मंडे मतलब कि मंडे तो पहला पहुँचने चाहिए ने पहुँच जाएगी तो करके वो अज ही डॉकूमेंट सेंड कर रहे हैं नॉट लेटर दैन मंडे मंडे तो ज़्यादा लेट नहीं जो तो अपने कहना कोई भी चीज़ भी इस तो ज़्यादा लेट नहीं वो चीज़ होनी चाहिए इस तो पहला हो जाए तो अपने बाय पुट करना। जिमें अगे हैगा वो ही हैड बैटर हरी वो ही हैव टू वी होम बाय 5 o'clock भी सानू 5 o'clock तो पहला अपन जेडे कि घर पहुँचना चाहिए उस तो लेटर दैन 5 o'clock नहीं मतलब कि 5 o'clock तो बाद नहीं पहला पहुँचना चाहिए एट जां तां 5 o'clock बजे ही पहुँचीए जां आपां उस तो पहला पहुँचीए जो अपने कोई भी चीज़ कहने भी जां तां उस समय हो जाए जां उस तो पहला हो जाए तो अपने बाय पुट करना मतलब कि आप सिंपल कह सकते हैं भी जो अपने कहना हो भी इस तो ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए काम उस तो पहला हो जाए जां टाइम पर हो जाए तो आप बाय पुट करना। अगे अंटिल की है अंटिल मतलब कि वो यूज़ अंटिल और टिल टू से हाउ लोंग ए सिचुएशन कंटिन्यूज जो अपने कहना भी कोई जिहड़ी सिचुएशन है वो किन्ने समय तक कंटिन्यू है। ठीक है भी किन्ने समय तक कंटिन्यू है जो आप ये कह सकते हैं भी जो अपने कहना भी जद तक। ठीक है भी जद तक जदों तक अंटिल मतलब कि जदों तक जद तक। ठीक है जिमें शैल वी गो नाउ कि आप हूँ ही चलीए नो लैट्स वेट। ठीक है अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग कहना अपन वेट कर लेने चाहिए जो तक जेडे कि मीह बंद नहीं होंगे भी जब तक मीह बंद नहीं होंगे जब तक अपन जेडे कि वेट करनी चाहिए तो अंटिल फुल अपने फिल करना जो अपने कहना भी जद तक टिल इट स्टॉप रेनिंग जो आप कह दिए भी जदों रेन खत्म होगी फिर आप चलेंगे यही इन डिफरेंस है। ठीक है समथिंग कंटिन्यूज अंटिल अ टाइम इन द फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर के कोई चीज़ कंटिन्यू जब तक कोई चल रही है तो आप अंटिल फिल करना। समथिंग हैपनस बाय अ टाइम इन द फ्यूचर तो जो आप कुछ फ्यूचर के लिए कोई चीज़ वा होनी है वो बाय पुट करना तो वह मतलब कि आप जो ये चीज़ कहनी हो इस तो बाद नहीं होनी चाहिए उस तो पहला पहला हो जाए। हूँ मैं थोनू तुम इन जस्ट एक बार रीड कर लेना बाकी मैं थोड़ा हम अगर एक्सरसाइज करवाई हैं। हाँ जी इस दे विचों जिहड़ा फस्ट पार्ट है फस्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ है ना सारे पार्ट्स के विचों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैगा सैकेंड सैकेंड पार्ट है जिहड़े कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये ही एग्जाम के आऊगा तुसीं देखियो। ठीक है तो जे आपां इस तों अलावा होर देखिए भी कि इंपोर्टेंट ने तो फस्ट और फोर्थ बट जे आपां मोस्ट इंपोर्टेंट तो सैकेंड बट आपां करांगे सारे। हाँ जी कंप्लीट द सेंटेंसिस विद बाय बाय नाल आपां ने सेंटेंस जिहड़े कि कंप्लीट करना। ठीक है ये अपने बाय पुट करना तो ये दत्ता ही है कि आप बाय लगाना। ठीक है हाँ जी वी हैव टू वी होम नॉट लेटर दैन 5 o'clock कहना सानू घर दे विच होना चाहिए 5 बजे तो बाद नहीं पहला पहला। ठीक तो ये की कह रहा भी सानू जेड़े कि घर दे विच होना चाहिए नॉट लेटर दैन 5 o'clock मतलब कि 5 बजे तो ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है तो आप लिखांगे वी हैव टू वी होम बाय फिर उस तो बाद कितना टाइम दे रखे 5 o'clock 5 o'clock अगे हैगा वी हैव टू वी एट द एयरपोर्ट नॉट लेटर दैन 8:30 कहना मैनू एयरपोर्ट पर आई हैव टू वी मैनू एयरपोर्ट पर होना चाहिए बट 8:30 तो लेट नहीं। ठीक है
तो आप लिखांगे आई हैव टू वी एट द एयरपोर्ट बाय 8:30, मतलब कि बाय तो बाद अपने टाइम कर देना जो भी उत्थे दिता होया डेज नाल दिता हो क्लॉक वाला दिता हो, ठीक है, वो लिख देना बाय 8:30। नैक्सट हैगा लैट मी नो नॉट लेटर दैन सैटरडे वैदर यू कैन कम टू द पार्टी, कहना कि मैनू तुसी शनिवार तो बाद नहीं दसना, ठीक है, उस तो पहला दसो कि तुसी पार्टी दे विचार हो। तो अगे लिखा हुआ डैश वैदर यू कैन कम टू द पार्टी, कि तुसी पार्टी दे विचार साहब तो आप इतने पुट करांगे लैट मी नो बाय सैटरडे, लैट मी नो बाय सैटरडे, लैट मी नो बाय सैटरडे, नैक्सट हैगा फोर्थ प्लीज़ मेक श्योर डैट यू आर हेयर नॉट लेटर दैन 2 o'clock, कहना ये कृपा करके श्योर करो कि तुसी जेडे कि 2 o'clock तो ज़्यादा लेट नहीं होंगे। तो आप लिखांगे प्लीज़ मेक श्योर डैट डैश यू आर हेयर, भी तुसी इत्थे 2 o'clock तो होंगे, ठीक है, यू आर हेयर बाय 2 o'clock, तो आप लिखांगे डैट यू आर हेयर बाय 2 o'clock, यू आर हेयर बाय 2 o'clock फोर्थ दे विच आए। नैक्सट हैगा इफ वी लीव नाउ, कहना जे असी हुण इत्थों चले जाइए वी शुड अराइव नॉट लेटर दैन लंच टाइम, तो सानू जिहड़े कि दुपहर दे खाने तों पहलां नहीं पहुँचना चाहिए, पहुँचना मतलब कि नहीं पहुँचा जाऊगा, ठीक है। तो आप लिखांगे इफ वी लीव नाउ, कहना जे असी हूँ ही इतों लीव करते हैं वी शुड अराइव बाय लंच टाइम, भी असी फिर लंच, वो कह रहे हैं भी जे आप हूँ इतों लीव नहीं करांगे फिर आप लंच टाइम तो पहला नहीं पहुँच सकांगे, मतलब कि लेटर अपन टाइम लेट हो जूगा लंच टाइम तो बाद वाला हो जूगा। सो आप कहांगे भी इफ वी जे असी हूँ इतों लीव करते हैं तो आप जिहड़े कि लंच टाइम तो पहला आ जाएंगे, ठीक है, बाय लंच टाइम, मतलब कि लंच टाइम ते या लंच टाइम तो पहला आ जाएंगे, लेटर दैन नहीं होगा। तो आप लिखांगे इफ वी लीव नाउ वी शुड अराइव, वी शुड अराइव बाय लंच टाइम, वी शुड अराइव बाय लंच टाइम। हाँ जी नैक्सट हैगा बाय और अंटिल अपने पुट करना, हाँ जी बाय तो आप उत्थे पुट करांगे जिथे अपने कहना भी इस तो पहला हो जाना चाहिए लेटर दैन नहीं, ठीक है। अंटिल आप जो आप कहांगे भी जद तक जो जदों तक जो अपने सेंस आऊगी तो आप अंटिल फिल करांगे। हाँ जी स्टीव हैज़ गोन अवे, कहना स्टीव इतों चला गया, ही विल बी अवे डैश मंडे, कहता वह मंडे तक इतों दूर रहूगा मंडे तक, ठीक है, लैटर दैन की तो कोई गल नहीं हो रही हैगी, अपने गल कह रहा कहना भी वह मंडे तक इस तो इतों दूर रहूगा, ही विल बी अवे अंटिल मंडे। अगे सॉरी, हाँ जी अगे सैकेंड हैगा सॉरी बट आई मस्ट गो, कहना सॉरी बट मैं जाऊँगा जरूर, आई हैव टू बी होम डैश 5 o'clock, बट कहना भी मैं 5 बजे तो पहला जिहड़े कि घर आ जाऊँगा, ठीक है, जो कह सकते कि 5 o'clock तो पहला नॉट अ लेटर दैन, ठीक है, लेटर दैन जो नहीं होगा, ठीक है, जो अपने कहना हो भी ये चीज़ कोई लेटर दैन नहीं होनी चाहिए इस टाइम तो, बल्कि पहला हो जानी चाहिए या टाइम से हो जानी चाहिए, उत्थे अपने की पुट करना बाय, तो आई हैव टू बी होम बाय 5 o'clock, ठीक है। नैक्सट हैगा अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, फोरकास्ट होंदा भविखबाणी, कहना भविखबाणियों के अकॉर्डिंग द बैड वैदर विल कंटिन्यू, ठीक है, मतलब कि मौसम बारे जी भविखबाणी होंगी है, तो कहना भी जोड़ा बुरा मौसम है बैड वैदर है वह कदों तक कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू विल कंटिन्यू डैश द वीकेंड, तो आप इतने पुट करा अंटिल द वीकेंड, जो अपने कोई चीज़ कहना हो शुरू हुई हुई है पास्ट के फ्यूचर के भी वो चीज़ चल रही है कदों तक कंटिन्यू रहनी है, ठीक है, उत्थे अपने रखना अंटिल, उत्थे पुट करांगे अंटिल, ठीक है, मतलब कि जो कोई चीज़ पहले तो शुरू हुई है फ्यूचर के भी कदों तक कंटिन्यू चल रही है तो उत्थे अपना अंटिल,
ठीक है, भी जब तक अंटिल। नैक्सट हैगा फोर्थ, आई डोंट नो, कहना मैं नहीं जानता, वैदर टू अपलाई फॉर द जॉब और नॉट, कि जॉब लिए अपलाई करा या ना करा। आई हैव टू डिसाइड डैश फ्राइडे, कहना मैनू फ्राइडे तो पहला डिसाइड करना पैना, ठीक है, मतलब कि डिसाइड तो पहला फ्राइडे तो पहला पहला डिसाइड करना पैना, जब आप कह सकते कि फ्राइडे तक, नॉट अ लेटर दैन, ठीक है। आई हैव टू डिसाइड बाय फ्राइडे, फोर्थ के बाय। नैक्सट हैगा अगे, आई थिंक आई विल वेट, कहना भी मैं सोचता कि मैनू वेट कर लेना चाहिए, ठीक है, भी मैं वेट करूँगा, आई विल वेट डैश थर्सडे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, भी मैं सोचा कि मैं आई विल वेट, भी मैं वेट करूँगा थर्सडे तक बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन बनाने तो पहला कि मैं थर्सडे तक सोचूंगा, ठीक है, जदों तक कोई चीज़ अपने चीज़ करनी भी जदों तक, ठीक है, उत्थे अपन की फील करना अंटिल, भी मैं थर्सडे तक सोचूंगा, जदों तक की सेंस आ जाए उत्थे अपन अंटिल फील करना, भी डिसीजन बनाने तो पहला मैं थर्सडे तक सोचूंगा, ठीक है, आई विल वेट, भी मैं थर्सडे तक वेट करूँगा, ठीक है, कोई भी डिसीजन बनाने तो पहला भी मैं सोचा। अगे सिक्स्थ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर टॉम टू कॉल मी, की कहनी मैं हुण तक वेट कर रही हूँ कि स्टिल टॉम है जी कि मैं कॉल करे, ही शुड हैव कॉल्ड मी डैश, ठीक है, कॉल्ड मी नाउ, ही शुड हैव कॉल्ड मी बाय नाउ, भी उन्होंने मैनू हूँ हूँ जी कि कॉल कर लेनी चाहिए। नैक्सट हैगा सैवंथ, आई नीड टू पे दिस बिल, कहना मैनू जरूरत है कि इस बिल नू मैं पे करा, इट हैज़ टू बी पेड डैश टमारो, ठीक है, भी यह कल तक जेडे कि पे करना होना चाहिए, ठीक है, कर लेना चाहिए मैनू, तो इतने पुट करांगे बाय, बी नॉट अ लेटर दैन, ठीक है, टमारो तो लेटर नहीं होना चाहिए, उस तो पहला पहला अपन करना, तो जरूरत है पे करन दी, तब बाय। नंबर एट दे विच हैगा, डोंट पे द बिल टूडे, कहना इस बिल नू अज पे ना करो, वेट डैश कल तक वेट करो, जो अपने कहता भी कल तक वेट करो, उत्थे आऊगा अंटिल। सैवंथ दे विच सी कि तुहानू जरूरत है कि बिल पे करो, ठीक है, भी ये कल, तो जिहड़ा हैगा सी नंबर सैवंथ, सैवंथ दे विच चेंज सी, सैवंथ दे विच की कहा जा रहा सी कि बिल नू पे करन दी जरूरत है, ठीक है, इट हैज़ टू बी पे टुमारो, क्योंकि कल तक पे हो सकता, ऐ नहीं हैगा कि तुसी परसों पे कर दो, कल तक ही पे हो सकता, जिस करके तुहानू पे करन दी जरूरत है, ठीक है, तो उत्थे पाने भी कल तक ही पे हो सकता, अगे नहीं, ठीक है, नॉट अ लेटर दैन टमारो, उत्थे अपन की पुट करिया बाय। तो इतने अपन नंबर एट दे विच है कि तुहानू अज बिल पे करन दी कोई जरूरत नहीं है, डोंट पे, अज बिल पे ना करो, क्योंकि तुहानू कल दा वेट कर लेना चाहिए, कल तक वेट कर लेना चाहिए, मतलब कि कल तो अगे भी पे हो सकता, ठीक है। सो जिहड़े ये सिमिलर जे हुंदे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हुंदे ने, इन्हां चों ही अक्सर आउंदा हुंदा, जिवें सैवंथ और एट्थ, तो एक हैगा सी फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, सैवंथ एंड एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगे हैगा नंबर नाइन, हाँ जी नंबर नाइन, वी हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस येट, भी जिहड़ा हाउस नूं पेंट कर रहे सी हुण तक ये खत्म नहीं होया, वी होप टू फिनिश, कहना सानू उम्मीद है कि ट्यूजडे तो पहला पहला हो जूगा, नॉट अ लेटर दैन ट्यूजडे, ठीक है, मतलब कि ट्यूजडे तो लेट नहीं होगा, उस तो पहला पहला हो जूगा, सानू ये उम्मीद है, तो जो अपने कोई चीज़ कहनी हो कि उस तो पहला पहला ये चीज़ हो जूगी, नॉट अ लेटर दैन, तो उत्थे आपां पुट की करना बाय, बाय ट्यूजडे, तो इत्थे आ जूगा नंबर नाइन ते बाय ट्यूजडे। नंबर टेन, विल यू स्टिल वी इन द ऑफिस एट 6:30, कहना कि तुसीं ऑफिस दे विच 6:30 तक होंगे, नो, कहना नहीं, आई विल हैव टू गोन होम डैश दैन, कहना मैं उस तो पहला तक घर जा चुका हूँगा, मतलब कि 6:30 तो 6:30 तक कहना तुसी होंगे, कहना नहीं मैं उस तो पहले ही घर जा चुका हूँगा, वी हैव टू गोन होम बाय दैन, ठीक है, बाय दैन। नैक्सट हैगा नंबर 11, आई एम मूविंग इन टू माई न्यू फ्लैट नैक्सट वीक, कहना मैं अपने नैक्सट कहना मैं नैक्सट वीक तो जिहड़े कि अपने नवें फ्लैट के मूव कर रहा, आई एम स्टेइंग विद द फ्रेंड डैश दैन, कहना भी जदों तक मैं किन को रह रहा अपने फ्रेंड दे कोल रह रहा दैन, इतने दैन है तो इतने आप पुट करा अंटिल।
ठीक है, नंबर 11 ते अंटिल ते नंबर 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिमिलर जिहड़े हुंदे ने थोड़ा जिहा डिफरेंस हुंदा वो अक्सर आ जाते हुंदे ने। अगे हैगा नंबर 12, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, कहना मेरे को बहुत सारा काम आ कम करन दे लई। डैश द टाइम आई फिनिश इट विल बी टाइम टू गो टू बैड, कहना भी जदे खत्म हो गया मेरे मैं जद ही जिहड़े कि इट विल बी टाइम टू गो टू बैड, कहना जदों मेरा टाइम हो जाऊगा कि मैं सौ जावां। ठीक है, तो मतलब कि आप लिखांगे बाय द टाइम, मतलब कि सौन तो पहला पहला काम खत्म हो जाऊगा। ठीक है, बाय द टाइम। नंबर 13, वो ही है प्लेंटी ऑफ टाइम, कहना साढ़े को बहुत सारा टाइम है। द फिल्म डजेंट स्टार्ट डैश 8:30, कहना साढ़े को बहुत सारा टाइम है। फिल्म डजेंट कहना 8:30 तक फिल्म जिहड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इहदे विच जदों तक कोई चीज़ नहीं होगी तो अंटिल। अगे हैगा 14, इट इज़ होप डैट न्यू ब्रिज विल बी कंप्लीटड, कहिंदा इह उम्मीद कीती जांदी वी नम जिहड़ा नवां ब्रिज आ उह कंप्लीट हो जूगा। डैश द एंड ऑफ द ईयर, साल दे एंड तों पहला पहला। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि अगले साल च नहीं जाऊगा, इस साल से कंप्लीट हो जूगा। ठीक है, नॉट अ लेटर दैन द बाय। नैक्सट यूअर ओन आइडियाज़ देने ने, कुछ इन्ना नहीं आता हूँ, तुम छड़ सकते हो गिव अप। ठीक है, नैक्सट कर दें 4th, हाँ सिचुएशनस वाला आ जाता हूँ। रीड द सिचुएशनस एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग बाय द टाइम, बाय द टाइम ला के अपने जी सिचुएशन से कंप्लीट करनी ने। आई वॉज, हाँ जी, आई वॉज इनवाइटड टू द पार्टी, कहना मैंने एक पार्टी इनवाइट किया बट आई गो गॉट देयर मच लेटर दैन आई इंटेंडेंट। इंटेंडेंट की होगा जो मैंने इरादा किया कहना, बट मैं उस तो काफ़ी ज़्यादा लेट गया। ठीक है, ज़्यादा लेट गया, वैसे भी लिखा हुआ लेटर दैन, तो अपने बाय लगाना, वैसे उपर दे रखा कि बाय यूज़ करो, तो अपना बाय द टाइम, उस तो बाद सबजैक्ट, फिर वर्ब, फिर जो ऑब्जैक्ट वो लगाना। ओके, बाय द टाइम आई गॉट टू द पार्टी, कहना जो मैं पार्टी च पहुंचा मोस्ट ऑफ द अदर गैसटस हैड लैफ्ट, कहना काफ़ी ज़्यादा गैसट उतों चले गए। सैकेंड आई इंटेंडन टू कैच अ ट्रेन, कहना मैंने इरादा किया ट्रेन में कैच करना, मतलब कि ट्रेन पर जाना। ठीक है, उन्होंने फड़ना ट्रेन में, मतलब कि ज ट्रेन के जाना। बट इट टुक मी लोंगर दैन एक्सपैक्टड टू गैट टू द स्टेशन, बट कहना जो मैंने एक्सपैक्ट किया कि मैं इन्ने बजे जाऊँगा, बट उस तो मैंने ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो आप लिखांगे डैश माई ट्रेन हैड ऑलरेडी लैफ्ट, मेरी ट्रेन है जी कि जा चुकी सी, तो आप कहेंगे कि मेरे स्टेशन तो पहुँचन तो पहले ही जो कि मैं लेट हो गया, तो करके उतो ट्रेन जा चुकी सी। तो बाय द टाइम सब्जेक्ट आए, वर्ब गॉट, ठीक है, आई गॉट टू द स्टेशन बाय द टाइम। सैकेंड बाय द टाइम आई गॉट टू द स्टेशन। By the time I got to the station, third I wanted to go shopping after work, काम तो बाद मैं शॉपिंग ते जाना चाहता सी, but I finished work much later than expected, जो बट उन्हें सोचा सी उस तो काफ़ी टाइम बाद जेडे कि वर्क डन होया। ठीक है, कंप्लीट होया। डैश इट वॉज टू लेट टू गो शॉपिंग, तो हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया सी कि शॉपिंग ते जा सके, तो आप लिखांगे वाई द टाइम आई फिनिश्ड वर्क, भी जो मैं काम जेड़ा कि फिनिश किया उस समय बहुत लेट हो गया सी शॉपिंग ते जाना। बाय द फिर भी आ जूगा, बाय द टाइम सब्जेक्ट आई, वर्ब फिनिश्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हो गया वर्क, थर्ड दे विच बाय द टाइम आई फिनिश्ड वर्क। फोर्थ है, आई सा टू मैन हु लुकड एज इफ दे वर ट्राइंग टू स्टील अ कार, कहना मैं दो जने देखा, दो आदमियों, ठीक है, जोड़े एवं लग रहे थे कि शायद वो चा जड़े कि कार चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। आई कॉल्ड द पुलिस, मैं पुलिस को कॉल किया, बट इट वॉज सम टाइम बिफोर दे अराइव्ड, बट इट वॉज सम टाइम बिफोर दे अराइव्ड, बट मतलब कि कुछ टाइम हो गया से उन्होंने पहुँचने तो पहला, वो की होगे इतों, आप कहेंगे द मैन
द टू मैन हैड डिसपेयर्ड, उतों चले गए सी, ठीक है, उतों दौड़ गए सी। तो बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड, भी जो पुलिस पहुंची, ठीक है, उस तो पहले वो दौड़ गए सी। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, अगे हैगा फिफ्थ। फिफ्थ है वो ही क्लाइम्ड अ माउंटेन, ठीक है, भी मैं माउंटेन ते चढ़िया। एंड इट टुक अस अ लोंग टाइम टू गैट टू द टॉप, टॉप ते पहुँचने लिए काफ़ी टाइम लग गया। देयर वॉज नॉट मच टाइम टू इंजॉय द व्यू, तो उत्थे ज़्यादा टाइम नहीं सी कि व्यू नू इंजॉय कर सकते। वो ही हैड टू कम डाउन अगेन, तो सानू नीचे आना पे। आप लिखा बाय द टाइम वो ही गॉट टू द टॉप, ठीक है, बाय द टाइम सब्जेक्ट वो ही, ठीक है, प्रोनाउन हो गया वर्ब गॉट टू द माउंट, टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, टू द टॉप ऑफ द माउंटेन फिफ्थ। थैंक्स, नैक्सट वीडियो दे विच अपन नैक्सट एक्सरसाइज लैके आवेंगे यूनिट। थैंक्स।